हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपीआईसी रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं कक्षा 10 के लेसन 2 द साम ऑफ लाइफ का सेंट्रल आइडिया लेकर के। यह पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है, आज हम इसका सेंट्रल आइडिया और कॉम्प्रिहेंसिव स्टेंजा पढ़ा करके इस पाठ को मंजिल तक पहुँचाने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएँ। सेंट्रल आइडिया, चलिए देखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट द लाइफ इज रियल एंड सीरियस। इस कविता में कवि बताता है कि जीवन वास्तविक और गंभीर है। डेथ इज नॉट इट्स टारगेट, मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं होता है। सारो एंड एंजॉयमेंट आर नॉट आवर फेट राइटन इन एडवांस। दुख या सुख हमारे पहले से निर्धारित भाग्य या पहले से लिखे हुए भाग्य नहीं होते हैं। वी शुड वर्क लाइक ए ब्रेव पर्सन। हमें एक बहादुर व्यक्ति की तरह काम करना चाहिए इन द लाइफ, जीवन में, टू मेक प्रोग्रेस, उन्नति करने के लिए। वी शुड नॉट लाइक डम्ब एंड कंट्रोल एनिमल्स। वी शुड नॉट के बाद यहाँ बीकम छूट गया है, आप लोग बीकम लिखेंगे। वी शुड नॉट बीकम लाइक डम्ब एंड कंट्रोल एनिमल्स। हमें मूक और नियंत्रित पशु नहीं बनना चाहिए। वी शुड एंगेज आवर सेल्फ्स इन द वर्क। हमें स्वयं को काम में लगा लेना चाहिए। वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड एंड वेट। हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए और प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। तो आप लोग ये सेंट्रल आइडिया अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप लोग रट लीजिए, क्योंकि 3 नंबर का आपके परीक्षा में आता है। इसके स्थान पर आप 4 लाइन पोएम्स भी लिख सकते हैं जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब हम आपको बताते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टेंजा। लाइफ से डॉट डॉट द सोल, लाइफ से डॉट डॉट द सोल। तो पहला क्वेश्चन इसका है, राइट द नेम ऑफ पोएट एंड पोएम। परीक्षा में कुछ और प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है राइट द नेम ऑफ द टाइटल फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टेंजा हैज बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर या हु इज द पोएट, हु इज द राइटर। तो आपको ये पहला स्टेंजा लाइफ से डॉट डॉट द सोल, तो पहले प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। द नेम ऑफ द पोएम इज द साम ऑफ लाइफ एंड द नेम ऑफ द पोएट इज HW Longfellow। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न का जवाब देख लीजिए, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स टारगेट। इसको पढ़ाने से पहले, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम आपको पैराग्राफ ही फिर से पढ़ा दें तो क्या दिक्कत है। चलिए हम आपको इस पैराग्राफ को पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, आपका पैराग्राफ, लाइफ इज रियल, लाइफ इज एर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन असली है, जीवन गंभीर है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु उसका लक्ष्य नहीं होता है। डस्ट द वर्ल्ड टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम मिट्टी से बने हो और पुनः मिट्टी में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अब इसी पैराग्राफ के आधार पर, इसी स्टेंजा के आधार पर हमें अगले प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आपका अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। जीवन क्या है और इसका लक्ष्य क्या नहीं है। तो आपका आंसर बन रहा है द लाइफ इज रियल एंड एर्नेस्ट, यानी जीवन बस असली और गंभीर है। एंड द डेथ इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं होता है। व्हाट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इस पैराग्राफ के आधार पर आपको बताना है कि क्या आत्मा को नहीं कहा गया है। तो आपका आंसर है द सोल इज मेड ऑफ सॉयल, यानी आत्मा मिट्टी से बनी है। एंड इट विल अगेन मिक्स इन इट, और पुनः इसी में मिल जाएगी। इट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा को नहीं कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द व्यूज, यहाँ वी होना चाहिए था बच्चों, बी हो गया है, आप इसको वी पढ़ेंगे। व्हाट आर द व्यूज ऑफ द पोएट अबाउट द बॉडी एंड द सोल, यानी आत्मा और शरीर के बारे में लेखक का क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है। तो जवाब देखिए, अकॉर्डिंग टू पोएट, लेखक के अनुसार, बॉडी इज पेरिसेबल, शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट होने वाला है, एंड मॉर्टल और मरणशील है, बट सोल इज इमॉर्टल, लेकिन आत्मा अजर अमर है, यह कभी मरती नहीं है। अगला हेडिंग है इन द वर्ल्ड से डॉट डॉट स्ट्राइफ, इन द वर्ल्ड से डॉट डॉट स्ट्राइफ, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज द वर्ल्ड बीन कंपेयर्ड टू इन द गिवन स्टेंजा, व्हाट इज मीन्ट बाय द वर्ल्ड विद यू, यानी ऊपर दिए गए स्टेंजा में संसार की तुलना किससे की गई है, और व्हाट इज इट मीन्ट बाय द वर्ल्ड विद यू, और विद यू शब्द का अर्थ क्या होता है।
तो चलिए इस पैराग्राफ को हम आपको पढ़ा देते हैं, तब हम इसके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो आप देखें यहाँ, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विशाल युद्ध के मैदान रूपी संसार में, इन द बिव्यूक ऑफ लाइफ, जीवन के सिपाहियों के असुरक्षित खुले कैंप में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइविंग कैटल, नियंत्रित और मूक पशु मत बनो, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि संघर्ष में एक हीरो बनो, एक वीर बनो, एक नायक बनिए। अब इसी स्टेंजा पर आधारित हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या क्या। आपने प्रश्न लिखा, अब इसका उत्तर देखते हैं। द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू ए ब्रॉड बैटल फील्ड, यानी संसार की तुलना एक विशाल युद्ध के मैदान से किया गया है। द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड बिव्यूक इज, यानी बिव्यूक शब्द का अर्थ होता है एक कैंप ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का एक खुला हुआ कैंप, सिपाहियों का एक डेरा, विदाउट प्रोटेक्शन, बिना किसी सुरक्षा के। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी बिकम ए हीरो, ये डब्ल्यू ई पढ़िए इसको, हाउ कैन वी बिकम ए हीरो, यानी हम एक हीरो कैसे बन सकते हैं। तो आंसर होगा, वी शुड वर्क ब्रेव वर्क्स टू बिकम हीरो, यानी हमें बहादुरी भरे काम करने चाहिए हीरो बनने के लिए। व्हाट डज द पोएट वांट नॉट टू बी, यानी कब क्या चाहता कि हम ना बने। तो आपका आंसर है, द पोएट वांट्स नॉट टू बी लाइक डम्ब एंड ड्राइविंग कैटल, कवि चाहता है कि हम मूक और नियंत्रित पशु ना बने। व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू, कवि हमसे क्या चाहता कि हम करें। तो आपका जवाब है, द पोएट वांट्स टू से दैट, कवि कहना चाहता है कि वी शुड वर्क लाइक ए हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें संघर्ष में एक हीरो की तरह काम करना चाहिए। तो यह पाठ आपका भी इंड हो गया, इसको आप लोग नोट बना लीजिए बढ़िया से, और बढ़िया से इसको कंठस्थ भी कर लीजिए, समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको अगला पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।